हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कक्षा नौवीं का विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2023 का जो आपकी सितंबर में परीक्षा हो रही है उसके लिए मैं प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें आपके पूरे क्वेश्चन 23 क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 1 से 23 तक का संपूर्ण उत्तर सहित बताया है, जिसको आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हो। तो अगर आप लोग इस वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कुछ नहीं करना है, इस वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है, फिर आप लोग कहने लगते हैं कि सर आपने कैसा बताया था कि बिल्कुल नहीं फंसा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और ना ही आप लोग समझते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट आप लोग सामने रहेंगे सही विकल्प जो आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। कितने नंबर आने वाले हैं? 6 नंबर में जो मैं आप लोग सामने आ पाए बा कदन के आंसर शायद बताऊँगा। अगर आपको इनके आंसर पता तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जो पहला लिखा है जेकोबिन किलर का लीडर था, जो जेकोबिन किलर का लीडर कौन था? तो वो था रोबेस्पियर, यानी कि गागमला आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में लिखा है रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। तीसरा लिखा है मैन कैफ के रचयिता कौन था? तो मैन कैफ था, तो उनके रचयिता कौन थे? तो उनके रचयिता थे एडोल्फ हिटलर। ठीक, हिटलर। इस प्रकार से आप लोग देखते जाइएगा, अपने आप लोग सही आंसर मिला सकते हैं। चौथा लिखा है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है, जो केंद्र का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो आपका घाघरिया सही आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, चलिए पाँचवा लिखा है भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। चलिए अगला छठवा, जिसमें लिखा है रॉबर्ट, यानी कि रॉबर्ट मुगाबे को इस वर्ष के राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। तो उन्हें हटा गया था कि 2017 में, यानी कि खा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट करेंगे जो आपके सामने 6 नंबर पर दिए गए हैं। तो पहला लिखा आप लोग सामने श्याम प्रसाद मुखर्जी के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग हुए चिंतक और भारतीय जनसंख्या के संस्थापक। कौन हुए? चिंतक। दो लोग हुए यहाँ पर चिंतक। ठीक, और भारतीय जनसंघ के संस्थापक, जनसंघ पेपर से इसके आगे जुड़े हुए। तो आप लोग यहाँ पर चिंतक और भारतीय जनसंघ थे के स्थापक थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को कौन सी प्रणाली कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं बहुविल फसल प्रणाली। क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविध लिख देना बस। जो जब भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूं तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया है उस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर यहां पे टाइप करना होगा आपको studynotespj.com। ठीक है, तो अपने मोबाइल में यहां पे आपको टाइप कर लेना होगा studynotespj। जैसे आप studynotespj सर्च करेंगे तो यहां पे देखिए फर्स्ट में जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynotespj.com। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहां पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे साफ-साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म त्रैमासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहां पे बनाया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्पॉट पर आना है और यहां पे देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन में यहां पे आपको देखिएगा एमपी बोर्ड। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको देखिएगा एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024। ठीक है, तो यहां से आपको त्रैमासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहां पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, अब यहां पे देखने वाली बात यह होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए, अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपके पेपर जो है यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपके पेपर यहां पे नीचे वाली तालिका में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूं, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूं, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थी कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहां पे 2 सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए आपको दिखा देता हूं, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहां पे देखिए मैं सेट बी पे क्लिक, सेट ए पे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया, यहां पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहां पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया। ठीक है, अब यहां पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डाला हुआ, देख लीजिए पूरा पूरा पेपर है। तो यहां से पूरा पेपर आप देख लेना। ठीक है, यहां पे आप चाहें तो डेट वगैरह देख सकते हैं किस तारीख का आपका पेपर है। ठीक है, यहां पे पूरा टाइम टेबल डाला हुआ है, पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते जाइए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने के मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के मिल जाएंगे। अब यहां पे आप त्रैमासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से टाइम टेबल बुरी कर लीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहां पे आपको सिलेबस भी देखने के मिल जाएगा, क्या क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहां पे
देखिए 13 सितंबर को आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है, सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं त्रैमासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे तभी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हला कलर का जो है डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे वेट कर चुके, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे फोटो जो लगा दे गंगला जापान जैसे देशों में मानव इन जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पहले क्या किया है, तो क्या निवेश किया है, मतलब कि अब निवेश किया है, ठीक। गंगला की घाटिया प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1914 में, ठीक, इसमें लोग 1914 में, ठीक। अगला एड़ा वाला सन खालिस्तान नाजी पार्टी जर्मनी की बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो क्या कौन उभरी, तो इसमें लोग आप लोग प्रेरणा वाले में हो गया, कौन उभरी, तो लोग हो गया आप लोग 1933 में, ठीक, तो 1933 में उभरी थी, ठीक। चजम्बा भारत का इसका सबसे बड़ा देश है, तो कौन सा है, भारत इसका सातवां देश है, सातवां, ठीक। आगे सुने इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान भी कंप्लीट कर ली है मैंने। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट, हम नेक्स्ट हम लोग सामने एक शब्द एक वाक्यांश है जो आप लोग सामने यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा, बाकायदा आपको बताया जाएगा ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम ना हो, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, ठीक। चलिए तो पहला लगा आप लोग सामने मेनू सोविकाओ के नेता कौन था, तो कौन था, तो था जूलियस, यहाँ पे लोग हो गए जूलियस जूलियस मार्टोव, ठीक, मार्टोव। खड़गा मतलब भारत का क्षेत्रफल लिखे, तो भारत का क्षेत्रफल लिखेंगे आप लोग 32,87,263 वर्ग, ठीक, वर्ग किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर 63 लिखा है, तो इस प्रकार से आप लोग हो जाता है। चलिए अगला देख रहे हैं गंगमला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट, माउंट माउंट एवरेस्ट, ठीक, एवरेस्ट ये हो जाएगा। अगला आप लोग हैं भारत की सबसे लंबी नदी, सभी को पता है गंगा है, गंगा, ठीक। इना वाला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, तो सभी लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ओके। चलिए देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में होता है, तो पंजाब में होता है, कहाँ पर, पंजाब में। तो इस प्रकार से आप कमने एक शब्द का आंसर कम्प्लीट हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं सही जुड़े, सही जुड़े को मिलाने से पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग सभी लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा होगी और जो त्रैमासिक पेपर होने वाले हैं, तो उनका भी इसी प्रकार से संभव सोल्यूशन बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस प्रकार से देखिए। चलिए फिर अगर आप लोग सामने सही जुड़े मिलाइए, ठीक, तो सही जुड़े किस प्रकार से मिलाना वो मैं आपको बताऊँगा। तो एक का कबूतर लिखा है गुप्तचर पुलिस, तो कबूतर बोला हुआ सी वाले से, ठीक। खगारा केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो इसका मिला हुआ दमन एवं दीप। ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो इसका मिला हुआ गगमली का मिला हुआ बी असम में। मोतीलाल नेहरू घाड़ी मिला हुआ डी से, इससे ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र का मिला हुआ लू एणा वाला का मिला हुआ लू ई से। रबी की फसल कौन सी है, तो गेहूँ। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे मैंने सही चुनिया कम्प्लीट करवा दी हैं, तो आप लोग देख भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने साथ साथ। चलिए तो जब तक हम साथ साथ करते हैं तो आप लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो पहला लिखा आप लोग सामने फ्रांस के संदर्भ में कन्वेंशन एक विद्यालय था, ठीक है, सत्य का सत्य, तो आपका असत्य हो जाएगा, ठीक। अप्रैल विशेष का विचार लेनिन ने दिया था, तो हो जाएगा असत। गगमला के दीदी तीसरा वाला 1934 में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बना था, तो ये भी हो जाएगा असत। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूरी सीमा बनती है, तो हो जाएगा सत। पृथ्वी की धरातल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है, तो हाँ ढका है, सत। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा समय 299 हाँ है। तो इस प्रकार से आप सामने तीन असत और तीन सत कम्प्लीट हो जाते हैं, वो आपके छः नंबर ही कम्प्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने दो दो नंबर के प्रश्न हैं, जो आप लोग देख सकते हो। इन दो दो नंबर पहले आप प्रश्न देख लीजिए, दो दो नंबर के हैं, तीन तीन नंबर के हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इसी उत्तर सहित, इसलिए आप लोगों से निवेदन है
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से ही फायदा होगा कि मैं इनके आंसर लाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।